दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एनजीटी एक बार फिर सख्त हो गया है। पटाखों से होने वाले प्रदूषण को लेकर एनजीटी ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान को नोटिस जारी किया और उनसे पूछा कि क्या 7 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर तक पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह से बैन लगा देना चाहिए। क्या है यह पूरा मामला, यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एनजीटी एक बार फिर से सख्त हो गया है। पटाखों के चलते प्रदूषण में बढ़ोतरी आने पर एनजीटी ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में नोटिस जारी किया है और साफ तौर पर ये पूछा है कि एक महीने के लिए क्या पटाखों पर एनसीआर में प्रतिबंध लग सकता है। एक तरफ दिल्ली एनसीआर के लोग जहां पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनजीटी पटाखों से होने वाले प्रदूषण को लेकर गंभीर है। पिछले साल भी एनजीटी ने कई तरह के नियम बनाए थे, लेकिन उसके बाद भी प्रदूषण रोकने में नाकामी हाथ लगी थी। और अब क्योंकि त्योहारों का समय आ गया है और एक मेन जो वजह है दिवाली के समय, आप जैसी दिवाली का नाम लेंगे तो आज के टाइम पे दिवाली का पर्यायवाची जो है वो पटाखे हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए पेटिशन फाइल हुआ है कि इस बार ऐसे जो पटाखे हैं या पटाखे बैन करने की बहुत ज़रूरत है। दिवाली से पहले ही दिल्ली सरकार ने पटाखा फोड़ने के लिए जगहों को चिन्हित कर लिया है। दिल्ली में कुल 800 जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर लोग जमा होकर पटाखा फोड़ेंगे, ताकि प्रदूषण को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा दिल्ली में सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स फोड़ने की इजाजत होगी। ये लगता है कि इससे कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि अगर आप एक्चुअली में देखो तो प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा है, ये नोटिस वोटिस कुछ काम नहीं करेगा। हमें ग्राउंड लेवल पे इस रियलिटी को समझना होगा कि हम इसको कैसे संभालेंगे, और इसको संभालने का एक ही तरीका है, जागरूकता क्रिएट करना। वही लोग भी प्रदूषण से निजात पाना चाहते हैं। इस बार वो लोग भी ग्रीन क्रैकर्स जला करके प्रदूषण को रोकने की जुगत में है। दुकानदार भी ग्रीन क्रैकर्स बेचकर प्रदूषण रोकने की कवायद को सफल बनाना चाहते हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए मैंने बंदूक ही रखी है। बंदूक के छोटे छोटे आइटम होते हैं जो बच्चों के लिए दिवाली मनाने के लिए मनाई जाती है। इस तरह की चीजें जिसमें कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई धुआं नहीं है। मतलब जो हम फेस्टिवल है हमारा, उसकी भी एक जो हम लोग मैसेज देना चाह रहे हैं अपने आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को, कि भाई हम दिवाली मनाएंगे और इको फ्रेंडली ढंग से मनाएंगे, तो उसके लिए मार्केट में सामान अवेलेबल है, हम उसको लेके खरीद के, इससे क्या है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो भी सर्कुलेट होती रहेगी, हमारा फेस्टिवल भी चलेगा और सारी चीज़ें प्रॉपर रहेंगी। बढ़ते प्रदूषण से लगातार लोगों के स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में दिवाली भी नज़दीक है और दिवाली पर पटाखा जलाने से प्रदूषण काफी बढ़ जाता है, तो हम क्यों ना दिवाली में ग्रीन क्रैकर्स जलाकर जश्न भी मनाएं और प्रदूषण को रोकने में अपनी भूमिका भी निभाएं। इको फ्रेंडली दिवाली बनाई है और इस दीप के त्योहार को और अच्छा बनाइए। तो दिल्ली एनसीआर से कैमरामैन रोहन के साथ फराह खान, 9TV उत्तर प्रदेश।